डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। जून 15 रो घटना एबे बदली दीची समस्त राजनीति एवं रणनीति को। भारत एवं चीन मध्य थिबा पूर्वतन संपर्क करी एबे दिन कु दिन देखा जाउची तिक्तता। अवश्य भारत को आक्रमण करिबा पई चीन रो समस्त योजना अनुजाई प्रथम पहाच थिला तारो सीमारे थिबा भारतीय अंचल को कब्जा करी एहाकु चीन अंचल नामरे घोषणा करिबा। 1962 मसीहारु लगातार भावे एही प्रयास जारी रखिछि चीन, किंतु कोनोसी ना कोनोसी बाटरे ए जाए तार प्रयास रे आंशिक सफल होइथिले मध्य संपूर्ण कब्जा बा नियंत्रण को नेइ पारि नाही चीन। अनेक बार सिक्किम अंचल अरुणाचल प्रदेश ठू आरंभ करी लद्दाख सीमा पर्यंत बारंबार विभिन्न मसीहारे चीन आसी एठारे अनुप्रवेश उद्यम करवा, सैन्य मानक मध्यरे तिक्तता होबा, खुनी संघर्ष रे परिणत होबा आदि इत्यादि अनेक घटना एथि पूर्वरु घटीथिले हे। जून 15 रे जो खुनी संघर्ष घटीथिला गलवान घाटी रे, एहा परे भारत एबे जेमिति चीन रो जवाब देवा पई तत्पर होई। अवश्य एथिनै प्रधानमंत्री मोदी सेना को पूरा छूट देथिबा बळे एपटे रणनीति एवं कूटनीति रे केमिति चीन को अंठेइबे सेही अनुजाई योजना तयारी करिवारे लागि पडिचंती। खास करी भारत चाणिची जे चीन रो अर्थनैतिक जे शक्ति अछि ताहा ही चीन रो महाशक्ति बोली धरिबा को पडिबो। तेणु शक्तिशाली चीन रो आर्थिक प्रगति रे जदि ब्रेक लगाई दिया जाए ताहले चीन निश्चित भावरे दबाव रे आसिबो एवं जेमिति हेले मध्य भारत सह आउथरे संपर्क स्थापन खोजिबारो बाट खोजिबो। एथिपई भारत को एक सुचिंतित रणनीतिर आवश्यकता रहिछि। अवश्य एथि पूर्वरु जे सरकार माने थिले सेमाने विभिन्न समय रे स्थानीय समय को अनुजाई चीन रो बारंबार आक्रमण एवं सीमा विवाद को नेई जे भली भाव रे प्रतिक्रिया रहितला ताकु सेई भली भाव रे सेई नीति अनुजाई एहाकु मुकाबिला करथुबार नजर रखिथिले हे। 2020 रे न्यू इंडिया रो एई जो आक्रमणात्मक पॉलिसी भीतर को चीन हटात धसई पसिबा सहज साध्य लागे नाही। एथि पूर्वरु मोदी सरकार एफडीआई रे नियम परिवर्तन एवं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रे नियम परिवर्तन करि दैछंती। तबे जून 15 घटना परे भारत एबे टेलीकॉम यूनिट को मध्य जणैछि जे चीन रो कोनोसी स्पेयर पार्ट को टेलीकॉम यूनिट रे शामिल करा जइबो नाही। एपरि कि मीरठ हाईवे रो जो टेंडर चीनी कंपनी को दिया जाइथिला ताहा मध्य एबे प्रतिबंधक लागिबार संभावना रहिछि। एपरि कि यहार आइनगत प्रक्रिया मध्य खोजा चलीछि। सेपटे भारतीय रेल विभाग मध्य एक चीनी कंपनी को ठिका देइथिला 417 किलोमीटर रो सिग्नल सिस्टम पई। एबे इंडियन रेलवे मध्य घोषणा करछि कि चीनी कंपनी को दिया जाइथिबा ठिका मध्य एठारे रद्द होई परिबो एवं यहा परे भारत किंतु विदेश मंत्रालय को आहुरी सशक्त करबा को पड़िबो एवं भारतर विदेश नीति ही एबे चीन को उचित जवाब देवा पई समर्थ होई परिबो बोली आशा करा जाउछि। आर्थिक मोर्चा रे भारत चीन को घेरिबा पई विभिन्न प्रकार रो प्रयास आरंभ कर देथिबो एवं जून 15 परे चाइना माल बॉयकॉट रो जो स्रोत सारा भारत रे बोहिबा एवं आत्मनिर्भरशील स्लोगान रे भारत अनेक किछि निजस्व उत्पादित सामग्री रे विश्व बाजार रे पाद देवा भली घटना घटिबा को जाउथिले हे। सबटु बड़ कथा हला चीन रो जो केतुटी दुर्बल दिग रहिछि से दुर्बल दिग भितरे विदेश संपर्क चीन रो अत्यंत दुर्बल दिग बोली धरिबा को हबो। कारण चाइना प्लस नीति रे एजाए ताइवान एवं हांगकांग उभय विरोध करथुबा एही नीति को भारत आहुरी जोर रे निया लगाई दबा संभव होई परिबो। एपरि कि तिब्बत रो जो चीन प्रति विरोधाभास, दक्षिण मंगोलिया रे चीन प्रति विरोधाभास, ताइवान एवं हांगकांग रे भी जनता चीन सरकार प्रति जो भावली भावे विरोध करुचंती एमानंकु पई आहुरी प्रभावित हबो जेतेबेले भारत ए प्रसंग को नहीं अंतरराष्ट्रीय प्रसंग करिबारे पछघुंचा देबो नाही। एमिति भी भारत विभिन्न मुद्दा उपरे एबे अंतरराष्ट्रीय
ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ଚୀନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସଠିକ୍ ଜବାବ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଛଟପଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଚୀନ। କାରଣ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଚୀନ ଅନେକ ଦିନରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ହେଁ ଚୀନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଶକୁ ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୀନର ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଚାଇନା ୱାନ୍ ପଲିସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। 2003 ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ତିବେତକୁ ଚୀନର କହି ମାନିଥିବାର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଭୁଲ ଅଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତିବତର ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଭାରତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ରହିଛି କି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାଇୱାନ ହେଉ, ହଂକଂ ହେଉ, ଦକ୍ଷିଣ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ହେଉ କି ତିବେତ ହେଉ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ଚୀନ ସହ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର, ଏମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କୁ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବୟାନ ଦେବା, ଯାହା ଚୀନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ଏକ ଧକ୍କା ସଦୃଶ ହେବ। ତେଣୁ ଚୀନର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଚୀନକୁ ଘେରିବା ସହ ବୈଦେଶିକ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇଲେ ଅତି ସହଜରେ ଚୀନ ପଡ଼ିଯିବ ଭାରତର ଜାଲରେ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା?